हेलो, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलेगा। ओके थैंक यू। हाँ हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सीएस कट इंडिया चैनल। अभी लाइव। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप सब? पता ही नहीं चला कब लाइव हो गए। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2। कल हम लोगों ने चैप्टर 2 की शुरुआत की थी, सॉरी चैप्टर 1, सॉरी सॉरी माय बैड, चैप्टर 1 की शुरुआत की थी। ग्रामर के बारे में पढ़ा था, जो कि इतना इंटरेस्टिंग भी नहीं होता है। सो आर वी रेडी? जल्दी से क्विकली एक बार हम रिवाइज कर ले क्या जितना हमने अभी तक पढ़ा था। हमने, जब तक सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं हो जाते, चलो अपन एक बार ना रिवाइज कर लेते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो डू दैट एसैप, एएसएपी। एंड डू लेट मी नो एम आई ऑडिबल। लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट लेट्स स्टार्ट। ग्रामर एंड इट्स यूसेज, कल हम लोगों ने ग्रामर के बारे में पढ़ाई की थी। अभी नहीं होगा बफर, डोंट वरी। कल हमने ग्रामर के बारे में पढ़ाई की थी। क्या क्या पढ़ा था? कि इंग्लिश ग्रामर एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो शब्दों के साथ साथ आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। यस, उसके बाद हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच। कितने टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं? 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन। फिर हमने नाउन देखा था। नाउन में हमने देखा था कि नाउन क्या होता है? नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग होता है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप कोई चीज को या कोई पर्सन को नेम देते हो। फिर हमने काइंड्स ऑफ नाउन देखे थे। फिर हमने प्रोनाउन देखा था। जब हम नाउन के जगह प्रोनाउन को यूज करते हैं, उसको प्रोनाउन कहा जाता है। प्रोनाउन नाउन के जगह यूज होता है। हमने एडजेक्टिव देखा था। अगर हमें किसी के बारे में कुछ बात करनी है या उसके बारे में कुछ पॉइंट आउट करना है तो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं कि आप कितने ब्यूटिफुल हो, आप कितने स्वीट हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, सो एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर हमने वर्ब पढ़ा था। वर्ब में हमने पढ़ा था जो चीज आप कर रहे हो, द थिंग दैट इज गोइंग ऑन, अबाउट समथिंग, अबाउट समवन, अबाउट अ थिंग। जैसे कि व्हाट हर्षु वाज रनिंग। रनिंग क्या है यहाँ पर? इट इज अ वर्ब। ओके, फिर हमने देखा था एडवर्ब। एडवर्ब जो कि क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव को, मतलब कि यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। वेरी क्या है यहाँ पर? एडवर्ब है। जब मैं कहती हूँ यू आर एक्सेप्शनली ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो फिर एक्सेप्शनली क्या है यहाँ पर? इट इज अ एडवर्ब। इट इज एन एडवर्ब, नहीं पर एड आ रहा है ना। हाँ, इट इज एन एडवर्ब। फिर हमने देखा था प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन में हमने देखा था इन ऑर्डर टू शो इट्स रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ टाइम, प्लेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि आई एम अबव योर हाउस, आई एम गोइंग अक्रॉस द मॉल, आई एम ओवर इट। यस, फिर हमने इंटरजेक्शन कंजंक्शन देखे थे। कंजंक्शन मतलब दो जो जो दो सेंटेंसेस या दो वर्ड्स को ज्वाइन करता है, दैट इज कंजंक्शन। एंड और बट, ये दो चीजें हमने देखी थी, उसे कंजंक्शन कहा जाता है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी एग्जाम्पल से कंजंक्शन के, जिसे कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा जाता है। फिर हमने टाइप्स ऑफ वॉइसेस देखे थे, जिसमें हमने स्मिता का एग्जाम्पल लिया था। स्मिता वॉज पेंटिंग द रूम इज एन एक्टिव वॉइस, द रूम वॉज बींग पेंटेड बाय स्मिता, इट्स अ पैसिव वॉइस। बस घुमा फिरा कर बात करते, दैट इज पैसिव। फिर हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, ए, एन और द। दो टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, एक होते हैं डेफिनेटिव आर्टिकल्स, दूसरे होते हैं
नॉन डेफिनेटिव आर्टिकल्स या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल्स. इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन है, डेफिनेट आर्टिकल द है. हम लोगों ने एक इसमें एग्जाम्पल देखा था और ना कोई स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि यहाँ पर ही हैज ज्वाइंड अ यूनियन क्यों है और एन यूनियन होना चाहिए ना, एन यूनियन होना चाहिए ना. फिर क्लास के बाद मैंने ऑफकोर्स गूगल किया. यस और नो? देखो इतना ऑनेस्टली बता रही हूँ, तो ऑनेस्टली आजकल की कौन सी टीचर बताती है. उसमें लिखा था कि यूनियन का जो प्रनंसिएशन है ना वो वाई से चालू होता है. यूनियन, YOON, मतलब यूनियन द प्रनंसिएशन. और हम लोग एन कब लगाते हैं? जब वोवेल वाला प्रनंसिएशन, वोवेल वाला साउंड आता है तो. यस, इसीलिए यहाँ पर ही हैज ज्वाइंड अ यूनियन होगा, इसीलिए यहाँ पर ही हैज ज्वाइंड अ यूनियन होगा, एन नहीं होगा. यस, ओके ओके. आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. आई होप दिस इज क्लियर. द हम लोग कब यूज करते हैं? जब हम कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे होते, स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बात कर रहे होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. अच्छा, टेंसेस भी बचा है. टेंसेस तो हम लोगों ने कल ही पढ़ लिए थे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इतने रेलिवेंट नहीं. आपको इस पे ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, आपको फिल इन द ब्लैंक पूछेंगे. और आज मुझे याद दिलाना, आज ना अपन पता है कौन सा सॉन्ग गाएंगे? आज अपन ना चन्ना मेरेया गाएंगे. बहुत ही इच्छा हो रही है ऐसे ऐसे भड़ास निकालने की, जस्ट लाइक दैट. आई रियली लाइक दैट सॉन्ग ऑल्दो. ठीक है, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज क्लास. आई होप आपने अभी तक का जितना भी था वो सब कुछ रिवाइज कर लिया है. आई जस्ट होप कि हमारा ये सब कुछ रिवाइज हो चुका है. आज हम ट्राई करते हैं कि ये चैप्टर जितना कवर हो सके उतना करते हैं. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ टूडेज क्लास. अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से थम्स अप दे दो यार. अब तो थम्स अप मिल ही जाना चाहिए यार. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट. तो आज का जो ये टॉपिक है दैट इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. हम लोग कोई भी लैंग्वेज जब बोलते हैं तो हम सेंटेंसेस में बात करते हैं ना, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ फुल स्टॉप. तो क्या पर्पस होता है कोई भी एक सेंटेंस का? व्हाट इज द पर्पस? हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट बनाना हो कि आज मैं घोषित करता हूँ कि हर्षित जो है वो क्या है, वो यहाँ के मॉडरेटर है. वॉट इज दिस? दिस इज टू मेक अ स्टेटमेंट, पोज अ क्वेश्चन. अगर मुझे कोई क्वेश्चन पोज करना है, कोई क्वेश्चन फ्रेम करना है, उसके लिए भी मैं सेंटेंस का इस्तेमाल करूंगी. गिव अ कमांड, मुझे आपको बोलना है स्टडी चैप्टर नंबर 1 थॉरोली, तो दिस इज गिविंग अ कमांड. मेक एन एक्सक्लेमेशन, ओ माई गॉड व्हाट एन एब्सोल्यूट ऑनर इट इज टू टीच यू टू यू गाइज, एक्सक्लेमेशन एक्सक्लेमेशन. तो ये सारे रीजंस की वजह से, ये सारे पर्पसेस की वजह से हम लोग सेंटेंस को यूज करते हैं. लेकिन सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट ऐसा वाला पार्ट होता है विच नेम्स द पर्सन और थिंग, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी बात करता है. प्रेडिकेट मतलब ये सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, उससे रेलिवेंट कुछ चीजें बताते हैं. द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, फिर से रिपीट करती हूँ. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट वो सेंटेंस का वो पार्ट है, वो पार्ट है जो मेन चीज के बारे में बात करता है, कोई पर्सन के बारे में, कोई चीज के बारे में. प्रेडिकेट वो पार्ट है जो साइड रोल प्ले कर रहा है, सपोर्टिंग एक्टर है. ठीक है, ऑल राइट. अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेज पे. What do you mean by a phrase? इसके लिए अपन को लगेगा एक चार्ट, एंड द चार्ट इज यस idioms एंड phrases. अभी हम सिर्फ फ्रेज पे फोकस कर रहे हैं. फ्रेज कोई भी सेंटेंस का कोई भी पार्ट अगर आप उठा लोगे, इट इज वॉट इज अ फ्रेज? फ्रेज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. कोई भी सेंटेंस का कोई भी पार्ट उठा लोगे वो फ्रेज है. आपको फ्रेज कभी लर्न नहीं करने पड़ते. कोई भी सेंटेंस का कोई भी पार्ट, ऐसा जरूरी नहीं कि उसको मेक सेंस करना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इतने पर्टिकुलर वर्ड्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है. तो यहां से हम लोग फ्रेज पढ़ते हैं.
फ्रेज कैन बी एनी थिंग, फ्रेज कैन बी एनी थिंग. अगर आपको चाहिए कि आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले लीजिए, मैं पोस्ट कर देती हूँ. ओके, फ्रेज कैन बी एनी थिंग, फ्रेज नीड नॉट बी लर्न एज सच. आपको फ्रेजेस को लर्न नहीं करना पड़ता है. फ्रेज हैज अ ग्रामेटिकल सीक्वेंस, इट कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग. ये लंबा भी हो सकता है, छोटा सा भी हो सकता है, क्योंकि मतलब कोई भी सेंटेंस का कोई भी पार्ट है ना. सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिया, सौरभ इज चैटिंग इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स एज यूजुअल. ठीक है, उनको भी पता है यूजुअल का काम है उनका. अब सौरभ इज चैटिंग, ये भी एक फ्रेज है. सौरभ इज चैटिंग इन, ये भी एक फ्रेज है. चैटिंग से अगर हम शुरू करें, चैटिंग से लेकर चैटिंग इन द चैट यहां तक, ये भी एक फ्रेज है. तो फ्रेज कैन बी एनी थिंग. समझ आई बात? ओके ओके, ऑल राइट. अभी यहां पर ना आपको टाइप्स दिए फ्रेज के, जो कोई भी काम के नहीं, क्योंकि फ्रेज कोई भी आपको आ सकता है. मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि इसमें से ये पर्टिकुलर पार्ट फ्रेज है या ये पर्टिकुलर पार्ट फ्रेज है, कुछ भी फ्रेज हो सकता है. अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर, जिसमें सबसे जरूरी पार्ट है सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. जब भी हम कोई भी लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम वो सेंटेंस को कंस्ट्रू करते हैं, मतलब सेंटेंस बनाते हैं. जैसे कि अगर मैं कहती हूँ कि संजिता इज अ वेरी गुड गर्ल, संजिता इज अ वेरी गुड गर्ल, दिस इज अ सेंटेंस. जिस तरह से मैंने लिखा है, पहले मैंने वो लड़की का नाम लिया, उसके बाद इज अ वेरी गुड गर्ल, उनकी तारीफ की. तो यहाँ पर हमने एक सेंटेंस फॉर्म किया, एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट किया है. अब हम ये देखेंगे कि कौन से टाइप के सेंटेंसेस होते हैं और कौन से कैसे कैसे सेंटेंसेस होने चाहिए. सबसे पहला है लूज सेंटेंसेस. दीदी व्हाट डू यू मीन बाय लूज सेंटेंसेस? क्या ये लूज मोशन टाइप होता है क्या? जी हाँ, लूज सेंटेंसेस आर सूटेड इन सिंपल स्टाइल ऑफ राइटिंग. जैसे कि लूज मोशन में हम लोग खिचड़ी खाते हैं, एकदम ही सिंपल खाना, वैसे ही लूज सेंटेंसेस में हम लोग सिंपल स्टाइल ऑफ लेटर राइटिंग यूज करते हैं. समझ रही बात? ओके. जैसे कि अगर मुझे कुछ डायरेक्टली बोलना है तो मैं वो डायरेक्टली बोलूंगी, तो उसे लूज सेंटेंस कहा जाता है, बहुत ही सिंपल तरीके से. अगर मैं कहती हूँ कि आज आप पूरा ध्यान आपके क्लास की तरफ होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको डायरेक्टली बोल दिया, हो गया. लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्योंकि आज का क्लास इम्पॉर्टेंट है और क्योंकि मेरा ऐसा मानना है और क्योंकि आप इतना पे अटेंशन नहीं करते हो तो मुझे ऐसे लगता है कि आपने ऐसा करना चाहिए क्योंकि इसमें ऐसे लिखा है, और इतना सारा गोल 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 घुमा कर अगर मैं बात करती हूँ, वेरी डेकोरस फॉर्म में अगर मैं आपको कुछ बोलती हूँ, तो दैट इज नॉट लूज सेंटेंस. ऐसे सेंटेंसेस जो कि डेकोरस होते हैं, पूरा जो ऑर्डर है वही रिवर्स हो जाता है. जैसे हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही, कि पहले 10 बहाने दे दिया, फिर 10 बहाने करके ले गए दिल, वैसी वाली बात है. लूज सेंटेंस और पीरियोडिक सेंटेंस एग्जैक्टली ऑपोजिट है. लूज सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस, लिख लो यहाँ पे सिंपल स्टाइल, एकदम सिंपल स्टाइल. पीरियोडिक सेंटेंस मतलब तड़क भड़क वाला, मतलब की डेकोरस, थोड़ा सा उसमें डेकोरेट किया हुआ है. जैसे अगर यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया है वो अगर हम लेते हैं तो, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन्ड इन द फॉरेक्स मार्केट एज देर वर स्ट्रॉन्ग रूमर्स अबाउट एन इंटेंस स्पेकुलेटिव एक्टिविटी कॉज्ड बाय द स्पर्ट्स इन इम्पोर्ट्स. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, फॉरेक्स मार्केट में जो बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स और जिस चीज की वजह से ये कर रही थी, उसके इम्पोर्ट रोक दिए, ऐसा कुछ. लेकिन वही जब हम पीरियोडिक सेंटेंस की बात करते हैं, एज दे वर स्ट्रॉन्ग रूमर्स, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग रूमर्स चल रहे थे मार्केट में कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, वो बीच में आ गए फॉरेक्स मार्केट के. समझ रहे हो मेरी बात? नेक्स्ट वाले सेंटेंस में, पीरियोडिक सेंटेंस में हम थोड़ा वैसे बात करते हैं. ओके,
ना तो आपको आज तक कभी पीरियोडिक सेंटेंस क्या है ये पूछा है, ना तो लूज सेंटेंस क्या है ये पूछा है, बट फिर भी मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ. नेक्स्ट इज सेंटेंस कंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ. एक होता है शॉर्ट सेंटेंसेस, दैट इफ आई से प्रियांशी इज अ गुड गर्ल, प्रियांशी लाइक्स टू रीड, प्रियांशी लाइक्स टू डांस, प्रियांशी ऑन द डांस फ्लोर, प्रियांशी लाइक्स टू पार्टी, ठीक है. शॉर्ट सेंटेंसेस क्या होते हैं, इजियर टू राइट एज वेल एज अंडरस्टैंड. लेकिन अगर मैं शॉर्ट सेंटेंसेस का पूरा पैराग्राफ लिख दूं आपके सामने, इतना बड़ा पैराग्राफ, प्रियांशी 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 10 बार उसको यूज करके इतने छोटे 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 सेंटेंसेस यूज कर दो, तो क्या आपको पढ़ने में मजा आएगी? नहीं दीदी, बिल्कुल भी नहीं आएगी. हाँ, लेकिन अगर कुछ चीज है जो आपको शॉर्ट में बतानी है, तो तब अगर आप शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज करते हो तो चलता है. देखो, मैं समझ सकती हूँ कि क्लास आपको शायद थोड़ा सा बोर होता होगा, वैसे आज तो किसी ने कुछ बोला नहीं है, नॉट दैट आप बोलते हो, बट स्टिल ओके. तो शॉर्ट सेंटेंसेस यूजुअली तो प्लीजिंग नहीं होते रीड करने के लिए. अब हम लोग पढ़ते हैं लॉन्ग सेंटेंसेस. लॉन्ग सेंटेंसेस में ना दीदी बस एक ही गलती हो जाती है कि हमसे ना ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं. बहुत ही सोच समझ के लिखना पड़ता है, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है. अगर मैं कहूँ किसका एग्जाम्पल ले अपन, अगर मैं कहूँ शिवानी आपका एग्जाम्पल ले लेती हूँ. शिवानी इज रादर अ स्मार्ट गर्ल बट ऑल्सो लाइक्स टू रीड एंड हैव सम पार्टी इन द स्पेयर टाइम बिकॉज शी लाइक्स रीडिंग एंड एट द सेम टाइम लाइक्स टू गो आउट एंड हैव फन एज शी इज एन इंट्रोवर्ट. और फिर मैं पूरा पैराग्राफ एक ही सेंटेंस में अगर बोल दूँ, तो चार पांच लाइंस का पूरा एक ही सेंटेंस, तो क्या होगा? एक तो जो पढ़ रहे उसको भी मजा नहीं आएगी, प्लस साथ साथ में बहुत लेंदी भी हो जाएगा, प्लस साथ साथ में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हो जाएगी. समझ आया कि नहीं आया? यस. तो दीदी करना क्या, ना तो आप बोल रहे हो शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करो, ना तो बोल रहे हो लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करो, तो हम करें तो करें क्या? आपको दोनों का मिक्स रखना है, सो दैट जो रीडर है उसका इंटरेस्ट आप में बना रहे. समझा? तो ये अगर आप टिप लेटर राइटिंग में यूज नहीं भी करते हो एट दिस पॉइंट, तो चैट में जरूर कर लेना. फिर आपके मोर देन फ्रेंड्स बोले कि अरे ये ऐसे क्यों बात कर रहा है, थोड़े से शॉर्ट सेंटेंसेस थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेस बोलना हमारी दीदी ने हमको सिखाया है, ठीक है? सो दैट आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसीलिए आपके भले के लिए. लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज प्रीफिक्स. That is prefix. अब ये important है, ये important है. What do you mean by prefix? Pre का मतलब तो आपको पता ही होगा, पहले. Pre का क्या मतलब होता है? पहले. It is the affix or addition to the root word. जो कोई भी शब्द के पहले लगता है उसे क्या कहा जाता है? उसे prefix कहा जाता है. जल्दी से लिख लोगे आप मेरे साथ साथ ही? जो कोई भी वर्ड के आगे, लिखो जल्दी, एक वर्ड लगता है उसे प्रीफिक्स कहा जाता है. इट्स अटैच्ड बिफोर द मेन वर्ड, बिफोर द बेस वर्ड. अब यहाँ आपको बहुत सारे टाइप्स दिए, पर यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी खुद के लैंग्वेज में, जब खुद के ओन वर्ड्स में हम लिखते हैं, हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाता है. खुद के लिए एक एग्जाम्पल भी आप लोग लिख लो जल्दी से. फॉर एग्जाम्पल, एंटी वायरस, ये जो एंटी लगा है ना आगे, दिस इज व्हाट, दिस इज अ प्रीफिक्स, ठीक है? यस, सीएस इज अ प्रीफिक्स. लेकिन जब हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि सीएस प्रीफिक्स से भी ज्यादा क्या है. चलो प्रीफिक्स ही है, बट वो नाम के आगे लगता है. अब यहां आपको बहुत सारे टाइप के प्रीफिक्सेस दिए हुए हैं, जैसे कि सपोर्टिव प्रीफिक्स,
ऑपोजिंग प्रीफिक्स, ये सारे हम लोग अभी देखने वाले हैं। क्या दीदी हमें हर एक कैटेगरी को याद रखना जरूरी है और इतने सारे प्रीफिक्स हमारे बुक में दिए हैं, क्या ये सारे पढ़ना जरूरी है? देखो, अगर आपके पास बहुत वेला टाइम है और अगर आपके पास ना तो गर्लफ्रेंड है ना तो बॉयफ्रेंड है, और अगर आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में और वर्ड जैसे जानने हैं और आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज करनी है, तो यू आर फ्री टू गो, यू आर फ्री टू रीड ऑल द प्रीफिक्स एग्जाम्पल्स। एक बार रीड कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, बट क्या पढ़ना जरूरी है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। जितना मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उतना अच्छे से पढ़ लेना, लेकिन जब मैं बोलूंगी कि अब आपको पढ़ने की बारी आई तभी आपने पढ़ना है, ठीक है? सबसे पहला है सपोर्टिव प्रीफिक्स। सपोर्टिव प्रीफिक्स ऐसे प्रीफिक्सेस होते हैं जो सपोर्ट करते हैं रूट वर्ड को, जो सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहती हूँ चॉइस, चॉइस, ठीक है, तो सामने वाला कहते हैं प्रो चॉइस, मतलब हम सामने वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रो चॉइस, प्रो मार्केट, प्रो लाइफ, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सपोर्टिव प्रीफिक्स। अब नेक्स्ट है ऑपोजिंग प्रीफिक्स। ऑपोजिंग मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट करना, रूट वर्ड का एग्जैक्टली ऑपोजिट करना। जैसे हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया, मैं बोलती हूँ वायरस, आप बोलते हो ऑपोजिंग प्रीफिक्स इसका है एंटीवायरस। एंटी मतलब एकदम ऑपोजिट, हमारे कंप्यूटर में वायरस आ गया है, हम एंटीवायरस डलवा लेंगे, ठीक हो जाएगा, एकदम ऑपोजिंग। और एक एग्जाम्पल लेते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके ओके, अब आ जाते हैं नेगेटिव प्रीफिक्स पे। नेगेटिव प्रीफिक्स ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो कोई चीज नहीं है ना उसके बारे में बताते हैं, जो कोई चीज नहीं है, जो कोई चीज नहीं है। दीदी क्या लैंग्वेज में लिखा आपने, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं डिक्टेट कर रही हूं ना, लिख लो वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, जस्टिस, इनजस्टिस, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ये सारे क्या है? नेगेटिव प्रीफिक्सेस है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप जब फ्री हो तब आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज रेवर्सेटिव प्रीफिक्स। रेवर्सेटिव प्रीफिक्स ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो चीज हमने कर ली है वो उसको अंडू करते हैं। अगर मैं कहती हूँ कि मैंने ना मैंने ना ये चीज को सिलेक्ट किया है, तो मैं अब क्या करूंगी रिवर्सेटिव प्रीफिक्स में? डी सिलेक्ट करूंगी। डी सिलेक्ट मतलब सपोज मैंने ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट कर दिया है, अब इसको डी सिलेक्ट करूंगी मैं, मतलब कि अनमार्क करूंगी। समझ आया? मार्क अनमार्क। सपोज मैंने ताले को लॉक कर दिया है, रिवर्सेटिव प्रीफिक्स में मैं अनलॉक करूंगी। समझा? जो चीज की है उसको अंडू करना, यहां पर लिख लो अंडू, अंडू करना, कोई चीज को अंडू करना, ठीक है? नेक्स्ट इज डेरिवेटिव प्रीफिक्स। डेरिवेटिव प्रीफिक्स में, अच्छा नहीं, यहां पर मत लिखो अंडू करना, क्योंकि और भी अप्रोप्रिएट इसके लिए हो जाएगा। रिवर्सेटिव प्रीफिक्स में आप रिवर्स करना लिख लो, रिवर्स करना, कोई भी चीज को रिवर्स करना, लॉक अनलॉक। समझा? डेरिवेटिव प्रीफिक्स में लिखो अंडू करना, कोई भी चीज को अंडू करना। व्हाट इज डेरिवेटिव प्रीफिक्स? डेरिवेटिव प्रीफिक्स आर दोज प्रीफिक्स दैट डिनोट द मीनिंग ऑफ रिमूविंग समथिंग और डिप्राइविंग समथिंग और समवन। मेरे इसमें बग आ गया है तो मैं डीबग कर दूंगी, वो फ्रॉस्ट है तो मैं डीफ्रॉस्ट कर दूंगी, ये क्या है, ये कैप है तो मैं इसको अनकैप कर दूंगी, ये कवर्ड है तो मैं इसको अनकवर कर दूंगी। अंडू करना कोई भी चीज को। एग्जाम्पल समझ आया? ओके, अब हम लोग आ जाते हैं पेजोरेटिव प्रीफिक्स पे। पेजोरेटिव प्रीफिक्स ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो कोई भी चीज अगर गलत है, गलत है,
तो वो बताते हैं. जैसे कि मैंने कोई चीज़ कैलकुलेट की तो दिस इज मिसकैलकुलेटेड. मैं कोई चीज़ मैनेज कर रही हूँ तो मिसमैनेज. समझ आया? ये मेरा बिलीफ है तो ये मिसबिलीफ है, गलत है. समझ आया? स्पेल मिस स्पेल. दीज टाइप ऑफ प्रीफिक्सेस आर कॉल्ड एज पेजोरेटिव प्रीफिक्स. ओके, अब जो प्रीफिक्सेस है बहुत ही पांचड़ है. पांचड़ समझता है ना आपको? मुझे नहीं पता. अगर आप महाराष्ट्र में रहते तो फिर आपको समझता होगा. दिल्ली वगैरह का मुझे नहीं पता. बहुत ही तहजीब से बात करते हैं दिल्ली वाले लोग. ओके, नेक्स्ट इज प्लेस प्रीफिक्स. प्लेस प्रीफिक्स मतलब ऐसा कोई भी प्रीफिक्स जो कोई प्लेस, कोई सिचुएशन के बारे में बताता है. जैसे कि सर्कमस्टेंसेस. सर्कम क्या है? इट इज अ प्लेस प्रीफिक्स. और एक एग्जांपल लेते हैं, इंडोर. इंडोर मतलब घर के अंदर का गेम, इंडोर गेम्स अगर मैं कहती हूँ तो ये जो इन है ना, इनका क्या मतलब है कि ये प्लेस प्रीफिक्स है. इंडोर घर के अंदर. एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब आपके करिकुलर के बाहर की चीजें. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये वाला आप एग्जांपल मार्क कर तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यात्री इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. समझ आया? ओके, अब हम लोग आ जाते हैं साइज प्रीफिक्स में. साइज प्रीफिक्स ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो साइज के बारे में बात करते हैं. वेरी सिंपल, फोन मेगाफोन. जैसे ना मेरी सिस्टर के पास आईफोन 12 है और वो ना ऐसे थोड़ा सा ये वाले फोन से थोड़ा सा छोटा है, तो जब वो ऐसा मेरा फोन पकड़ती है ना तो फिर वो मुझे ऐसी बोलती है, ये ले तेरा मेगाफोन ले ले. उसको इतना बड़ा लगता है, थोड़ा सा हैवी भी है. समझ आया? ओके, दिस इज कॉल्ड एज साइज प्रीफिक्स. मिनी फोन तो हम उसको मिनी नाम दे देंगे. जब हम लोग ओला बुक करते तो फिर ऐसे लिखते ना मिनी कैब. मिनी कैब मतलब छोटी वाली कैब, तो मिनी इज अ प्रीफिक्स. ओके, नेक्स्ट इज टाइम प्रीफिक्स. टाइम प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है? ऑब्वियसली टाइम डिनोट करता है. अगर मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ की एक्स प्रेसिडेंट थी, एक्स क्या है यहाँ पर? टाइम प्रीफिक्स है. पहले प्रेसिडेंट थी ये बता रहे वो. लेट्स रीन्यू आर मेंबरशिप. तो ये जो री एड हुआ है ना, दिस इज अ टाइम प्रीफिक्स. कोई आपका सपोज लाइसेंस होगा, आपको आपका लाइसेंस रीन्यू करना है, तो वो रीन्यू का मतलब होता है टाइम प्रीफिक्स. समझ आया? मतलब नहीं होता है, री इज यूज्ड हियर एज अ टाइम प्रीफिक्स. ओके, नेक्स्ट इज नंबर प्रीफिक्स. नंबर प्रीफिक्स ऐसे प्रीफिक्स होते हैं जो नंबर्स को डिनोट करते हैं. मोनोपोली, मेरी तो भाई साहब मोनोपोली है, मतलब मेरी तो दहशत है, मेरा तो राज चलता है, मतलब यहाँ पर सिर्फ मैं ही हूं जो ये बेच सकता है. समझ आया? और एक एग्जाम्पल लेते हैं, किलोग्राम. किलोग्राम क्या है? किलोग्राम इज ऑल्सो अ नंबर प्रीफिक्स. मोनोपोली मतलब एक जने का राज, ड्यूओपोली मतलब दो जनों का राज, ट्रिप्लिकेट मतलब तीन जनों का जो भी चीज. तो यहां पर नंबर्स डिनोट हो रहे हैं. बहुत इजी था ये. यस दीदी. नेक्स्ट इज स्टेटस प्रीफिक्स. स्टेटस, आर यू मैरिड, सिंगल और मैरिड? ई दिख नहीं रहा है, ठीक है. मैरिड, सिंगल या फिर इट्स कॉम्प्लिकेटेड, आप क्या टिक करते हो? सिंगल. नहीं दीदी, इतना तो शरीफ आप हमको मत ही समझो, हम टिक करते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड. ये क्या डिनोट करता है? इट डिनोट्स योर स्टेटस. जैसे कि को पार्टनर, को फाउंडर. आई एम द को फाउंडर ऑफ से
आई एम द को फाउंडर ऑफ सी एस कार्ट इंडिया. तो यहाँ पर मैं क्या आपको बता रही हूँ, मेरा स्टेटस बता रही हूँ. आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेस्ला लिमिटेड. तो यहाँ पर मैं क्या बता रही हूँ, मेरा स्टेटस बता रही हूँ, समझा? ओके. नेक्स्ट इज क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स. क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स कुछ भी नहीं है. यहाँ पर लिटिल का बी लिटिल हो जाना, रिच का एंड रिच हो जाना, मतलब और अच्छा ट्रांजिशन होना, या कोई शब्द को और भी ज्यादा इंटेंसिफाई कर देना, दैट इज क्लास चेंजिंग प्रीफिक्स. रोल एंड रोल, कोड एंड कोड, श्योर एंड श्योर. ओके. नेक्स्ट इज मिसलेनियस. तो जो ऊपर के कोई कैटेगरी में नहीं आते हैं वो सब ये कैटेगरी में आते हैं, मिसलेनियस, जो सब ऊपर के कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली, इको सिस्टम, यूरो करेंसीज, पैरानॉर्मल, क्वाजी जुडिशियल, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सेल्फ मोटिवेशन, ये सारे क्या है, मिसलेनियस में आते हैं, ऊपर की कोई कैटेगरी में नहीं आते. ठीक है. ओके ओके. अभी जल्दी से बताओ कि क्या आपको प्रीफिक्स समझ आया क्या? अब ऑब्वियसली देयर इज नो चांस कि हम लोग सारे प्रीफिक्स लर्न करें, समझा आपको? तो आपको कोई भी प्रीफिक्स लर्न नहीं करने, सिर्फ समझने के हैं. Are we good to go? Okay. अब हम लोग आ जाते हैं suffix के ऊपर. What do you mean by suffix? Suffix मतलब जो कोई भी sentence के, कोई भी sentence के पीछे लगता है, पीछे लगता है. समझ आया? जो कोई भी सेंटेंस के पीछे लगता है, जैसे कि एडवांटेज. तो ये जो एज है ये पीछे लगा ना. माइलेज, बॉन्डेज. और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं. अरेंजमेंट, एमएनटी क्या है, पीछे लगा. पावरफुल, फुल क्या है, पीछे लगा. ब्यूटीफुल, फुल क्या है, सफिक्स है. यस yes? और एक आध एग्जाम्पल लेते हैं. टैक्स वाइज, वाइज क्या है, सफिक्स है. कैंडिडली, सरप्राइजिंगली, ग्रेटली, ये जो एल वाई लगा है ये क्या है, सफिक्स है. समझ आया? अब एक एग्जाम्पल याद रखोगे सफिक्स के लिए. सबसे पहली चीज तो सफिक्स मतलब क्या, जो कोई भी सेंटेंस के पीछे लगता है, दैट इज सफिक्स. हमें पता है प्रीफिक्स क्या है. यस, हमने बहुत सारे प्रीफिक्स के एग्जाम्पल देख लिए हैं. वैसे ही सेम सफिक्स क्या है, सफिक्स इज नथिंग बट जो वर्ड के एंड में लगता है. अगर मैं कहती हूँ कोलैबोरेशन, लेट्स कोलैबोरेट ऑन माई यूट्यूब चैनल, तो ये जो टी आई ओ एन आपने लगाया ना, ये क्या है, इट इज अ सफिक्स. ओके. चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड टू कॉम्बिनेशन वर्ड्स. कॉम्बिनेशन वर्ड्स भी बहुत ही ईजी है. अगर दो वर्ड को ज्वाइन करते हाइफन के थ्रू तो उसे कॉम्बिनेशन वर्ड कहा जाता है. हमने दो वर्ड्स को एक कर दिया, ज्वाइन कर दिया और एक उसका नया वर्ड बना लिया. लिख लो यहां पर, दो वर्ड्स को ज्वाइन कर लिया और एक नया वर्ड बना लिया. ओके, डन. एग्जाम्पल दीदी, ऑटोग्राफ. ये लो, दिस इज माय ऑटोग्राफ. ऑटोग्राफ क्या है, ऑटो और ग्राफ. बायोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी, टेलीस्कोप, टेलीविजन, टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन, ये सब क्या है, दीज आर कॉम्बिनेशन वर्ड्स. यस, माल फंक्शन, माल न्यूट्रिशन, कॉम्बिनेशन वर्ड्स. समझ आया? यस.
बहुत ही इजी था, बहुत बहुत ज्यादा इजी था. मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, वर्कशॉप. वेरी गुड सुरभि. ओके, समझ आया कि नहीं समझ आया? अभी गुट्टू को इतना कुछ ज्यादा था नहीं वैसे समझाने लायक. दो शब्दों को जब आप ज्वाइन कर लेते हो, या तो आप नया शब्द फॉर्म कर दो, या तो आप हाइफ़न के थ्रू ज्वाइन कर दो, या ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हो. बायोडाइवर्सिटी, वेरी गुड बादशाह. ओके ओके, लेट्स स्टार्ट विथ पंक्चुएशंस. दिस इज आई थिंक द लास्ट पार्ट. नो नो, नॉट द लास्ट पार्ट, बट लेट्स स्टडी इट. पंक्चुएशंस, कोई भी लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ जब हम रीड कर रहे हैं तो वो कौन से फ्लो में लिखी हुई है. सपोज मैंने कोई हिंदी का सेंटेंस लिखा और उसके आगे ऐसा एक लाइन कर दिया, तो हमें पता है कि इसको क्या बुलाते हैं, इसको विराम या ऐसा कुछ कहा जाता है. यस, वो उनका क्या होता है, फुल स्टॉप होता है. वैसे ही इंग्लिश में बहुत सारे पंक्चुएशन मार्क्स है, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ब्रैकेट्स, बहुत सारी चीजें. इन सबको क्या कहा जाता है, पंक्चुएशन कहा जाता है. ये जो सेंटेंसेस है उसका मीनिंग और क्लेरिफाई हो, इसीलिए हम लोग पंक्चुएशंस का इस्तेमाल करते हैं. जल्दी से बता दो, समझ में आया क्या क्या होता है पंक्चुएशन? पंक्चुएशन हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें कोई भी सेंटेंस को और क्लियर मीनिंग देना होता है, तो इसीलिए हम ये एलिमेंट्स को ऐड करते हैं. दीदी अब आप मुझे क्या फुल स्टॉप भी सिखाओगे क्या? विराम चिन्ह कहा जाता है. ओके ओके ओके, विराम चिन्ह. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. यार बहुत बहुत टाइम हो गया पढ़ने को, इसीलिए इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते हिंदी भूल चुके हैं, वैसा हो चुका है. ओके, तो ऐसे कौन से पंक्चुएशंस है जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं, अभी हम ये देखते हैं. कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, हाइफिन, एस्टरिस्क, पैराग्राफ, ब्रैकेट्स, कोलन, डैश, स्ट्रोक, एक्लिप्स, कॉमा, एक्सक्लेमेशन मार्क, अंडरलाइन, कोटेशन मार्क, बोल्ड, एम्फेसिस, क्वेश्चन मार्क, एब्रीवेशन, इटैलिक्स, अपोस्ट्रोफी, सेमी कोलन, या फिर नंबर्स. ओके, ये सारे पंक्चुएशंस है जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं. ठीक है, क्यों यूज करते हैं? ऑब्वियसली क्योंकि इससे हमें मीनिंग और ज्यादा क्लियरली पता चलता है. तो आज का सबसे पहला जो हम पंक्चुएशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्पेस. स्पेस मतलब जब आप दो सेंटेंस लिखते हो, सी एस पार्श्वी, ये दो वर्ड्स के बीच में क्या है, स्पेस. मुझे स्पेस चाहिए, तो ये जो स्पेस क्रिएट हो गई उसे वो हम क्यों यूज करते हैं. कोई भी शब्दों को अगर हमें अलग करना है, कोई पैराग्राफ को अलग करना है, कोई चैप्टर को अलग करना है, तो हम किस चीज से करते हैं, स्पेस से करते हैं. समझ आया कि नहीं आया? स्पेस दीदी बहुत ही बेसिक था. कभी कभी कोई कोई स्टूडेंट ना जिस तरीके से लिखता है ना, सपोज ये उनका पेपर है, ठीक है, ये उनका पेपर है, अब उनको आंसर नहीं आता है, तो पता है वो कैसे लिखते हैं? हैप्पीनेस, ये उनका आ गया एक लाइन में. कैन नेवर, ये दूसरे लाइन में. बी मेजर्ड, ये तीसरे लाइन में. इतना स्पेस छोड़ते हैं. जब हमें कोई आंसर नहीं आता है तो हम बचपन में से करते थे ना, मैं भी करती थी, मुझे मालूम है. ओके ओके, नेक्स्ट इज फुल स्टॉप. फुल स्टॉप हम कब कब यूज करते हैं? अब आप बोलोगे कि दीदी फुल स्टॉप तो अगर हमें कोई सेंटेंस को एंड करना है, कोई सेंटेंस को एंड करना है, तब हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं. जब हमें कोई क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करना ना, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स यूज करना है, तो फिर हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. यस, लेकिन हम फुल स्टॉप और भी जगह यूज करते हैं. अगर मैं कहती हूं लेट मी टॉक टू मिस उमरा, व्हाट इज दिस? ये जो मिस लिखते टाइम मैंने एक डॉट डाला है ना, दिस इज ऑल्सो यूज ऑफ फुल स्टॉप. सपोज मैं कहती हूं आई वॉन्ट टू स्पीक टू डॉक्टर नागेश, डॉक्टर नागेश,
तो यहाँ पर डॉक्टर लिखने के लिए भी मैंने किस चीज़ का यूज़ किया है, फुल स्टॉप का यूज़ किया है। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पर आपको फुल स्टॉप यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि आफ्टर एड्रेसेस दैट हेड लेटर्स एंड ऑन द ऑनवलप। आपने कभी ऑनवलप पे फुल स्टॉप नहीं लिखना चाहिए। मतलब सपोज मैंने लिखा काली पानी सोसाइटी और फिर मैं डालती हूँ फुल स्टॉप, फिर मैं डालती हूँ वेस्ट बंगाल, फिर मैं डालती हूँ फुल स्टॉप, तो चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा। समझ आया? अगर आप कोई एक्रोनिम यूज कर रहे हो, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ ICSI, तो क्या ICSI के बीच में आप फुल स्टॉप डालते हो क्या? नहीं डालते हो। डेट के बीच में, सपोज आज की डेट है 6 जून 2021, हम ऐसे लिखते हैं क्योंकि हम प्रोफेशनल हैं, हम ऐसे नहीं लिखते हैं। समझा? ये डॉट देना गलत है, ठीक है? ओके, वेरी बेसिक, वेरी इजी। अभी नेक्स्ट इस पे आ जाते हैं, दैट इज कॉमा। कॉमा हम लोग कब यूज करते हैं? जब हमें एक ही सेंटेंस में एक पॉज लेना है, मेन क्लॉज को अलग करना है, सबॉर्डिनेट क्लॉज को अलग करना है, तब हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ मनीषा। मनीषा वॉज नॉट स्मार्ट बट वॉज एबल टू हैंडल द प्रेशर, हैंडल द एग्जाम प्रेशर। यहां मैंने कॉमा का क्यों यूज किया? क्योंकि मुझे जो मेन सेंटेंस है उसको दूसरे वाले क्लॉज से अलग करना था, थोड़ा सा उसमें पॉज एड करना था। समझा? You're beautiful, फिर कॉमा, स्मार्ट कॉमा, इंटेलिजेंट कॉमा यूज करते हैं ना हम लोग। ओके, नेक्स्ट इज अगर हमें क्वेश्चन टैग्स यूज करने हैं, बिफोर टैग्स और क्वेश्चंस एंड कमेंट्स, तब भी हम कॉमा यूज करते हैं। द हायर द प्राइस द बेटर द क्वालिटी, क्या यूज किया? ये दो वर्ड, दो सेंटेंसेस के क्लॉजेस को अलग अलग किया। समझा आपको? यहां पर दिस इज द एग्जाम्पल, द हायर द प्राइस द बेटर द क्वालिटी, यू वर लेट फॉर द मीटिंग वरंट यू, यहां पर हमने क्या यूज किया? कॉमा यूज किया। टू डिनोट वर्ड्स लेफ्ट आउट, रोमियो लव जूलियट, मजनू लैला, मतलब ये भी एक दूसरे से प्यार करते थे, दैट इज इट। ऐसे अलग अलग चीजों के लिए हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज हाइफिन। हाइफिन हम कब यूज करते हैं? अगर हमें कोई कंपाउंड वर्ड बनाना है, सपोज मैं कहती हूँ क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, यहाँ मैंने क्या यूज़ किया? हाइफ़न यूज़ किया, क्योंकि हमें ये क्लेरिफाई करना है, कोई भी दो शब्दों के बीच में हम लोग हाइफ़न यूज़ करते हैं, जैसे कि क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी के बीच में हम हाइफ़न डालेंगे। ये देखिए आपको एग्जांपल दिया है, क्वाजी जुडिशियल, एक्स प्रेसिडेंट, तो एक्स के बाद भी हम क्या डालेंगे? हाइफ़न डालेंगे। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि कंफ्यूजन हो दोनों वर्ड्स के बीच में, क्योंकि जैसे अगर हम लिखते हैं बायोडाइवर्सिटी, तो बायो हाइफ़न करके डाइवर्सिटी ऐसे लिखते हैं ना, दैट्स इट, दैट इज द यूज ऑफ हाइफ़न टू कनेक्ट टू वर्ड्स। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू सेमी कोलन। अब सेमी कोलन मतलब क्या? सेमी कोलन मतलब एक डॉट, उसके नीचे एक कॉमा, दिस इज कॉल्ड एज सेमी कोलन, इसे सेमी कोलन कहा जाता है। इट इज यूज टू सेपरेट टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो एक ही सेंटेंस, जब हम बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े सेंटेंसेस लिखते हैं ना, तो उसमें अगर दो अलग अलग क्लॉजेस है ना, उसको सेपरेट करने के लिए। यहां पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये देखिए सेमी कोलन से यूज टू ज्वाइन वर्ड्स,
or separate words. Those present at the function includes Mr. and Mrs. Jain, their children, Amit and Raghu, colon diya hai. Paul and Joe, colon diya hai. Raj and Ravi, colon diya hai. Kololin and Mr. James, colon diya hai. Samajh aaya aapko? To sabko ise alag alag karna hai, to uske liye hum colon ka istemal karte hain. Theek hai? Okay. Next is semicolon ka use karte hain. Yes? Next is colon. अब ये दो डॉट होते हैं, दो फुल स्टॉप, एक ऊपर एक नीचे. ये हम बहुत जगह यूज करते हैं, अगर आपको पता होगा तो. दिस इज कॉल्ड एज कोलन टू इंट्रोड्यूस सम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन. जैसे हम लिखते हैं ना, देर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल, और फिर हम ऐसा कोलन देते हैं. येस और नो? अगर हमें कोई ये बताना है कि पूर्वी सेड, फिर मैं कॉमा करूंगी, और कॉमा नहीं करूंगी मैं डायरेक्टली, पूर्वी सेड और फिर कोलन दूंगी और लिखूंगी जो भी उन्होंने कहा वो. दिस इज ऑल्सो वॉट इज कॉल्ड एज कोलन. किस किस चीज के लिए आप कोलन को यूज कर सकते हो? टू पॉइंट आउट द रीडर्स अटेंशन, रीडर का अटेंशन होल्ड करने के लिए. टू इंट्रोड्यूस अ नंबर ऑफ आइटम्स, मुझे बहुत सारे आइटम्स को ऐड करना है तो मैं कोलन से उसको ऐड कर सकती हूँ. कंक्लूजन प्रेजेंट करने के लिए, कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को लिंक करने के लिए, और भी ऐसे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के लिए हम लोग कोलन इस्तेमाल कर सकते हैं. येस, आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए कि ये वाला कौन सा पंक्चुएशन मार्क है. नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी. व्हाट डू यू मीन बाय अपोस्ट्रोफी? इसे अपोस्ट्रोफी कहा जाता है जब हम कहते हैं ना कि हमें ये पर्सन के साथ हमारा पोजेशन या हमारा रिलेशनशिप शो करना है. He is mine. The bottle is hers. ये apostrophe use किया. It was Sanjana's bag. अपोस्ट्रोफी यूज किया. यस, या फिर कांट यू स्टॉप चैटिंग नाउ. यहां पे मैं जब कैंट लिख रही थी तो फिर मैंने यूज किया अपोस्ट्रोफी. यस और नो? कैन नॉट लिखने के जगह मैंने कांट लिख दिया, मैंने वो शब्द को छोटा कर दिया. वुडेंट लिखने के जगह मैं वुड नॉट लिखने के जगह मैंने वुडेंट लिख दिया, तो उसके लिए भी आप अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हो जब आपको किसी के लिए रिलेशनशिप शो करना है. इट इज दीप्ति's ड्रेस, तो हमें पता चलता है कि किसका ड्रेस है, दीप्ति का ड्रेस है. समझ आया? फिर यहाँ आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए है. नेक्स्ट इज कोटेशन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स मतलब ये जो ऐसा होता है ना, इसको कोटेशन मार्क कहा जाता है, और यहाँ पर कुछ तो भी लिखा है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आदित्य सेड कॉमा, फिर मैं कोटेशन मार्क ओपन करूंगी और लिखूंगी ही लाइक्स टू स्टडी. सॉरी, ही लाइक्स टू स्टडी नहीं, कुछ अच्छे एग्जाम्पल लेते ना. आई एम पार्श्वी मैम्स फैन. अपोस्ट्रोफी कोटेशन मार्क क्लोज. यहां पर मैं क्या बोल रही हूं कि आदित्य ने कहा कि आई एम पार्श्वी मैम्स फैन. Yes? तो इसके लिए जो उन्होंने कहा उसको मैंने किस में डाल दिया? कोटेशन मार्क्स में डाल दिया. सपोज मैं अगर आप कोई नारा बोलती हूँ, कोई मोटो बोलती हूँ, जैसे कैवियट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर, तो वो भी मैं किस में डालूंगी? कोटेशन मार्क्स में डालूंगी. ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे, दैट इज ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं. एक होता है ऐसे क्रेसेंट ब्रैकेट्स,
नेक्स्ट पंक्चुएशन इज क्रेसेंट ब्रैकेट्स. ओब्वियसली ब्रैकेट्स हम कब यूज करते हैं? सपोज मैंने लिखा दैट आई एम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. पूरा लिखा मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ऐसा आप समझ लो कि मैंने पूरा लिखा है ऑफ इंडिया. और फिर मैं ब्रैकेट करके लिखती हूँ ICSI, ब्रैकेट क्लोज. तो कोई लॉन्ग फॉर्म को आपको शॉर्ट में लिखना है उसके लिए भी आप ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हो. या फिर अगर आपको कोई वर्ड का मीनिंग बताना है, सपोज मैंने लिखा बोनाफाइड बोनाफाइड, तो मैं उसके ब्रैकेट में लिख दूंगी उसका मतलब क्या है. मीन्स इन गुड फेथ, इन गुड फेथ, ब्रैकेट क्लोज. तो ब्रैकेट्स का और भी बहुत सारे यूज है ब्रैकेट्स के. अगर आपको ऑप्शंस देने हैं उसके लिए भी आप ब्रैकेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो. फिर और एक टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, इसको कहा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स. स्क्वायर ब्रैकेट्स भी आप यूज कर सकते हो. कब यूज कर सकते हो? से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी नॉवेल पढ़ते होंगे तो फिर आपने नॉवेल्स में देखा होगा कि वहां पर ना कुछ कुछ चीजें ऐसी स्क्वायर ब्रैकेट में लिखी हुई होती है. इसका मतलब ये होता है, कोई भी नॉवेल अगर आप ले लोगे तो इसका मतलब ये होता है कि रीडर को नहीं चाहिए कि वो यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है वो घुसाए, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्होंने वो वर्ड घुसाया है. फॉर एग्जाम्पल, आई अप्रिशिएट इट, मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उसको. अरे आप बोलोगे उसको किसको? तो यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशन के लिए, आपके ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझने के लिए क्या लिखा है? द ऑनर. आई अप्रिशिएट इट. अप्रिशिएट वॉट? द ऑनर. इसीलिए उसको स्क्वेयर ब्रैकेट में यूज किया गया है. और भी बहुत सारे टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस ब्रैकेट्स. इसे ब्रेस ब्रैकेट्स कहा जाता है. यूजुअली अगर हम लोग ऑडमैन आउट खेल रहे हैं, अगर मैं आपको बोलती हूँ चलो अपन ऑडमैन आउट खेलते हैं, ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ बताओ इसमें से ऑडमैन आउट कौन सा है. पी कॉक, डॉग, कैट, एलिफेंट. क्रेसेंट ब्रैकेट क्लोज. जल्दी से बता दो कि ऑडमैन आउट कौन सा है, ऑडमैन आउट कौन सा है. यस, द ऑडमैन आउट हियर इज पीकॉक, क्योंकि बाकी तीनों को क्या है, चार हाथ पैर व्हाटएवर है. समझ आया? इसीलिए भी आप लोग क्रेसेंट ब्रेस ब्रैकेट यूज कर सकते हो. अब एंगल ब्रैकेट यूजुअली हम कब यूज करते हैं? एंगल ब्रैकेट मतलब ऐसा, जब ये जो कोडिंग वाले लोग होते हैं ना, जो साइंस स्ट्रीम के लोग होते हैं, जो IT में होते हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं, उन लोगों को ऐसे सारे कोड लिखने पड़ते हैं, जावा, C++, ये सारे कोड जब वो लोग लिखते हैं ना, इसके लिए वो लोग एंगल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं. कोई गेम लिखना है, कोई ऐसा लैंग्वेज लिखना है, उसके लिए वो लोग एंगल ब्रैकेट्स का यूज करते हैं. समझ आया आपको? स्पेशली मैथमेटिशियंस या स्पेशलाइज्ड टेक्स्ट या टेक्निकल वर्क्स के लिए हम यूज करते हैं. यस, क्या आपको ये समझ आया स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब? स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब ऐसे वाले ब्रैकेट्स. इसको हम तब यूज करते हैं जब हमें इसके अंदर जो भी चीज लिखी है हमें नहीं चाहिए कि वो हमारे सेंटेंस का पार्ट हो, लेकिन हम सामने वाले के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज लिखते हैं सो दैट उनको वो रीड करने में दिक्कत ना हो, तो उसे कहते हैं, उसके लिए हम लोग यूजुअली यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स को. मतलब ऐसे जरूरी नहीं है बट यूजुअली ऐसे करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा आई अप्रिशिएट इट. आप पूछोगे ना मुझसे कि ये इट क्या है दीदी, तो आपके क्लेरिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया आपका सम्मान, आप जो मुझे सम्मान देते हो वो, द ऑनर. अभी आप जब रीड करोगे आई अप्रिशिएट इट, तो इट का मतलब आपको ही समझ में आ जाएगा कि दीदी किस चीज की बात कर रहे हैं, ऑनर की बात कर रहे हैं. समझ आया? एंड आई थिंक
दैट्स अबाउट इट यू गाइज. एक बार हम लोग समरी ले लेते हैं पंक्चुएशन की. हमने फुल स्टॉप पढ़ा, कॉमा पढ़ा, हाइफन पढ़ा, सेमी कोलन, कोलन, अपोस्ट्रोफी, कोटेशन मार्क्स, क्रिसेंट ब्रैकेट्स, स्क्वेयर ब्रैकेट्स, ब्रेस ब्रैकेट्स और एंगल ब्रैकेट्स. दैट्स अबाउट इट यू गाइज. वी आर डन विथ चैप्टर नंबर वन इतने इजीली 5 मिनट पहले. अच्छा, मैंने कौन सा सॉन्ग बोला था जो आज अपन गाने वाले, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो. बता मत दो, आप वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि मुझे सॉन्ग याद आ चुका है. वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से. एटलीस्ट 200 लाइक्स तो हमें पहुंचनी चाहिए ना यार, नहीं तो क्या फायदा. आप मेरे लिए गाते, आप मेरे लिए लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो मुझे चन्ना मेरे यहाँ गाना पड़ रहा है. देखो कैसे दिन आ गए मेरे. अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, दिल की संदूकों पे मेरे अच्छे काम रखना, चिट्ठी तारों में भी मेरा तू सलाम रखना, अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, तेरा उजला सितारा तेरे नाम किया, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ ओ पिया. ऑल राइट यू गाइस, थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन, हैव अ वेरी गुड नाइट अहेड. ये चैप्टर अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो एक बार रिवाइज जरूर से खुद से कर लीजिएगा. अनटिल देन मिलते हैं कल. हार्डली 4-5 दिन की क्लास और बची है तो अच्छे से इंजॉय करो. कल जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ बिजनेस कम्युनिकेशन एंड प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. सो डोंट मिस टुमारोज क्लास एट एनी कॉस्ट. देखो जब ऐसे 5-8 वाले चैप्टर्स चल रहे होते तब भी मैं आपको बोलती हूँ कि ये छोड़ दोगे तो चलेगा. अब मैं आपको जब बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो अच्छे से अटेंड करना है. ठीक है, बाय, टेक केयर, सी यू.